हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। साहब खतीबे हिंदुस्तान मुजाहिद उत्तराखंड हजरत अल्लामा मौलाना इरफानुल हक साहब खुदा को आवाज देते हैं, खैर मकदम नारे से कर लें। नारे तकबीर नारे रिसालत उर्से तैयबी वाहिदी फैजाने वाहिदी मसलके आला हजरत शहजादगाने सैयदी सरकार ताहिरे मिल्लत नारे तकबीर नारे रिसालत। मखदूम जादगान व जमीय शहजादगान बिलखसूस साहिब सज्जादा आस्तान आलिया वाहिदिया व दीगर तमाम उलमाए किराम बुजुर्गों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहु। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وعلى آله الكرام وأصحابه العزام وابنه الغوث الأعظم وحزبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم। حضرات आज हम और आप आलम इस्लाम की दो अजीम अबकरी शख्सियात की बारगाहों में खुसूसन व जुमला सादात बिलग्राम शरीफ की बारगाहों में उमूमन अकीदत व मोहब्बत का खराज और नजराना पेश करने के लिए जमा हैं। मौला ताला उर्से तैयबी वाहिदी में हम सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए और मौला इनके रूहानी फ्यूज़ो बरकातो कमालात से हम सबको दुनिया व आखरत में माला माल फरमाए। आमीन। वायरस की वजह से सब जानते हैं अक्सर लोग बुखार की जद में हैं, मेरी भी कई दिन से तबीयत अलील है, सबके लिए दुआ करें और फकीर कादरी के लिए भी। हजरात बिला किसी तमहीद के नबी और आले नबी पर हदीए दुरूद व सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदिना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुद वल करम मुंबई इल्म वल हिलम वल हिकम व अला आलिही व बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्तां बताया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। मौज पर तूफान पर साहिल पे उनका इख्तियार, मौज पर तूफान पर साहिल पे उनका इख्तियार, रहबरो रहरो रहे मंजिल पे उनका इख्तियार। उनके जलवों से मुजयन है जमीनों आसमां, उनके जलवों से मुजयन है जमीनों आसमां, फर्श से ता अर्श हर हर दिल पे उनका इख्तियार। वो अजल में कब्र की तारीकियों में हश्र में, वो अजल में कब्र की तारीकियों में हश्र में, यानी माजी हाल मुस्तकबिल पे उनका इख्तियार। औलियारा हस्त कुदरत जिला तीर जस्ता बाज गर्दान जरा, सादात बिलग्राम की इज्जत अजमतो रिफत शान शौकत चांद सूरज की तरह आया है अल्हम्दुलिल्लाह। वो किसी तरह से कहीं भी किसी से ढकी छुपी नहीं है और ये सब
सिर्फ और सिर्फ जुबो दस्तार की बुनियाद पर नहीं बल्कि नस्लन बादा नस्लन कई सौ साल बरस का अगर तारीखी पस मंजर देखेंगे तो ये बिलग्राम शरीफ तबाहुरे इल्मी का एक गहवारा रहा है। मौलाना लियाकत नेपाली साहब ने तो चंद बुजुर्गाने दीन लेकिन ऐसे ऐसे अल्लाह वाले बुजुर्गाने दीन औलियाए कामिलीन इस खानदाने गीती पर तशरीफ फरमा है कि जिनके फैजान से हम जैसे मामूली आम लोग तो छोड़िए अगर तारीख के औराक को पलटोगे तो बड़े बड़े मुहद्दिसीन मुफक्किरीन उलमा हुकमा फजला मुफ्तियाने किराम ने इन बारगाहों में जानवी अदब तय किया है। सुभान अल्लाह बेशक हम और आप यहाँ साल में कई बार हाजिर होते हैं ये हमारी और आपकी सआदत है कि हमें और आपको ऐसी सोहबतें मिली हैं ऐसी निस्बतें मिली हैं सोहबते साले तुरा साले कुनत सोहबते ताले तुरा ताले कुनत उधर बुझा रहे हैं आ रहे उधर देख उधर क्या इधर देखिए ना हजरत हजरत तो इधर बैठे सब अरे वो अपना काम कर रहे हैं आप अपना काम करिए। अभी जो कुरान अजीम की आयत करीमा पढ़ी गई है रब ताला इसमें तीन चीजों का हुक्म फरमा रहा है इधर देखिए नंबर एक मोमिन होने का जब आप मोमिन हो जाएं तो फिर क्या करें इत्तकुल्ला अल्लाह से डरिए जब आप कलमा पढ़ लें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मोमिन हो गए मुसलमान जब आप मुसलमान हो जाएं तो अल्लाह फरमा रहा इत्तकुल्ला अल्लाह से डरो बात यहीं पर बस रही मोमिन हो गए मुसलमान हो गए इत्तकुल्ला अल्लाह से डरने भी लगे अल्लाह ताला आगे फरमाता है सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा कि तुम मोमिन हो गए मेरा डर मेरा खौफ व खशियत तुमने मेरे अपने दिल में भर लिया इससे काम नहीं चलेगा बल्कि तीसरा हुक्म यह है कि वकूनू मा सादिकीन और सच्चों के साथ हो जाओ सुभान अल्लाह बेशक और सच्चों के साथ हो जाओ बेशक इससे अच्छी बयान दलील कोई हो सकती है बिल्कुल निकले हुए सूरज में सरजमीने बिलग्राम शरीफ पर हुजूर रिजवाने मिल्लत सोहेले मिल्लत सईद मिल्लत दीगर खानवादे वहदिया तैयबिया के अफराद के सामने हम और आप कितनी अच्छी और नेक जगह बैठे हैं कि जिस जगह को आला हजरत ने जन्नत निशा कहा यहाँ की थोड़ी देर की सोहबत इंशाअल्लाह ताला हमें तुम्हें उसी जन्नत पहुंचाने का जरिया बन जाए। बहुत अच्छा हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद देखिए अल्लाह सुभान अल्लाह सोहबत ये वाहिदी निस्बत ये जाहिदी निस्बत ये तैयबी निस्बत ये ताहिरी निस्बत ये रिजवानी ये सोहेली निस्बत इन निस्बतों और निस्बत जानते हैं हम सुन्नी मुसलमानों के नजदीक अमल की मेरे उसास क्या है वजूद नदामत के पास क्या है रहे सलामत बस इनकी निस्बत मेरा तो बस आसरा यही है। ये खानदान ओरिजिनल सैयद है इसमें किसी तरह की 1450 बरस के बाद भी मिलावट नहीं है मिलावट नहीं है। ऐलाने वालों बिलग्राम शरीफ में इन सादात की बारगाह में कभी बेअदबी मत करना और इन बड़ों के मामलात में भी कभी मत पड़ना। तुम्हारा काम तो यहाँ आना और इन बारगाहों में हाजिरी देना अगर ये निस्बत कबूल हो गई तो दुनिया में भी बेड़ा पार हो जाएगा आखिरत में भी बेड़ा पार हो जाएगा। सुभान अल्लाह बेशक बेशक ये आप लोग सब ऐसे ही बैठे रहे कोई खड़ा नहीं होगा। सैयद उवैस मियां साहब तशरीफ ला रहे हैं उनके इस्तकबाल के लिए स्टेज के जितने उलमा हुफाज कुर्रा हैं वो सब खड़े होकर इस्तकबाल करें आप लोग सब बैठे रहेंगे। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे गौसियत और से तैयबी वाहिदी मसल के आला हजरत आमदे सईदी सरकार वैसी मिल्लत आमदे सईदी सरकार बादशाह मियां नारे तकबीर नारे रिसालत आमदे सईदी सरकार फैजान मियां साहिब क़िबला उलमाए अहले सुन्नत शहजाद गाने सईदी सरकार ताहिरे मिल्लत उर्से तैयबी वाहिदी मसलके आला हजरत।
सुभान अल्लाह, इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है। आज बिलग्राम शरीफ के सादात के गुलशन का हर फूल अल्हम्दुलिल्लाह उस तैयबी वाहिदी में मौजूद है। माशाअल्लाह, आप हजरात देखिए और अपने दिल की प्यासों को बुझाइए। तूने पी किताबों से, हम तो आशिक लोग, मोहब्बत करने वाले लोग, आंखों में आंखें डालिए और जाम पे जाम पीते चले जाइए। तूने पी किताबों से, मैंने पी निगाहों से, फर्क है बहुत वाइस तेरे मेरे पीने में, फर्क है बहुत वाइस तेरे मेरे पीने में। आप देख रहे हैं हुजूर वैसे मिल्लत हुजूर बादशाह मियां साहब व दीगर खानवादे की जलवागरी हुई है। अल्लाह ताला इस खानदान को इसी तरह से सलामत रखे और हर फूल दुनियाए सुन्नियत में इसी तरह से महकता रहे, चमकता रहे। हजरात गिरामी, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये हम और आप जो निस्बतें लेकर आए हैं, निस्बत कितनी अहम और जरूरी है। सोहबत को, अच्छों की सोहबत हमारे और आपके पास है। आप जानते हैं हमारे कन्नौज मिट्टी से कभी खुशबू नहीं आती है, लेकिन अगर यही मिट्टी किसी गंदगी से मुंसलिक हो जाए तो इसमें बदबू आ जाती है। और इसी मिट्टी पर अगर कहीं बेला चमेली गुलाब की खेती कर ली जाए तो जहां गुलाबों में खुशबू होती है वहीं उस मिट्टी में भी खुशबू पैदा हो जाती है। मिट्टी का काम खुशबू देना नहीं है। अगर गंदी जगह चली जाए तो बदबू आती है, अच्छी जगह चली जाए तो खुशबू आती है। ये सिर्फ सोहबत की बात है। अगर एक मिट्टी चंद माह वो बेला चमेली की सोहबत में रह ले तो जहां बेला चमेली में खुशबू पैदा हो जाती है वहां मिट्टी में भी खुशबू पैदा हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप जानते हैं लोहे का काम क्या है? काटना। लोहे का काम, अरे जोर से बोलो, लोहे का काम। और आग का काम क्या है? आखिरी बात कह रहा हूँ, अपनी जगह ले लूंगा। लोहे का काम काटना है और आग का काम जलाना है। लेकिन अगर उसी लोहे को मैं आग की भट्टी के अंदर रख दूं तो फिर बताओ जरा सही, वो लोहा जिसका काम काटना था जलाना नहीं था, लेकिन लोहा आग के अंदर जरा सा चला जाता है तो उसका रंग भी आ जाता है, नरमी भी आ जाती है और उसका काम भी आ जाता है। अगर उस लोहे को आग में डालने के बाद जब वो सुर्ख हो जाए और उसे निकाले तो फिर जाहिर बात है जो काम आग का है वो उस लोहे का भी हो जाता है। अगर मुकम्मल आग नहीं होती, सोबत का भी इतना ही असर होता है। हम पूरे लोग अच्छों की सोबत में आ गए हैं, इस तरफ भी अच्छे हैं, इस तरफ भी अच्छे हैं और जिनका जश्न उर्स है वो भी अच्छे हैं। इंशाल्लाह जब अच्छों की सोबत में आ जाएंगे तो ये सब जन्नती है। जहां ये होंगे इनकी सोबत में बैठने वाले भी सब जन्नती। मौला ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इन बुजुर्गों से सच्ची उल्फत और मोहब्बत पैदा फरमाए और जब हम जाएं तो सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद और जात के लिए नहीं बल्कि कुछ लम्हा इनकी बारगाहों में बैठें, दो जानू अदब तय करें ताकि इनका कुछ असर थोड़ा सा हमारे और आपके ऊपर पड़ जाए तो इंशाअल्लाह ताला हकीकतन हम सबका बेड़ा पार हो जाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन।